नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप सिंह चौहान और स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं, अगर आप एक कंप्यूटर यूजर हो या फिर कंप्यूटर चलाते हो तो ये प्रॉब्लम आपके हमेशा मतलब कि कभी ना कभी आई होगी, इंट्राइड पावर सेविंग मोड शॉर्टली। जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो तो यहाँ स्क्रीन पर ऐसा लिखा आता है इंट्राइड पावर सेविंग मोड शॉर्टली, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले से बनाया हुआ है, वो मैं उस वीडियो का पार्ट टू लेके आया हूँ। और इसके अनदर, आप जब कंप्यूटर ऑन करते हो तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर पूरी ब्लू स्क्रीन हो जाती है या फिर कुछ भी वर्ड आ जाते हैं, मतलब कि किसी भी प्रकार से आप अपने कंप्यूटर को सही तरीके से चला नहीं पाते हो, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम ये हमेशा आती है। इस वजह से ये प्रॉब्लम क्या है वो आपने सॉल्व करके मतलब की समस्या का समाधान करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा बने रहना, इन वीडियो को एंड तक देखना। और ये मैं पार्ट टू बना रहा हूँ, इसका पार्ट फर्स्ट मैंने पहले से बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, क्योंकि आज मैं अपना माइक लेके नहीं आया हूँ तो उसके लिए सॉरी। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला और मैं काफ़ी सही तरीके से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ आपको कि आप जो अपने कंप्यूटर में जो प्रॉब्लम आती है इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो इंटायर शॉर्टली पावर सेविंग शॉर्ट मॉडली। जैसे कि मतलब आप अपने कंप्यूटर ऑन करते हैं ना उस समय ये प्रॉब्लम आती है, तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हो वही आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बने रहना, इस पर लाइक करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी देख सकते हो आप, ये है मेरा सीपीयू यहाँ पर पड़ा हुआ है। अभी मैं इसको जो है खोल कर आपको दिखा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम यहीं पर होती है इसी के अंदर, क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग इसी को बोलते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसर यूनिट, इसी के अंदर सारा कुछ होता है। तो अभी मैं इसे खोल कर आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मैंने इसका ये ढक्कन यहाँ से अलग करके साइड में रख दिया है, और अब इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करने के बाद में फिर आपको सारी कुछ चीज़ें दिखाते हैं। तो दोस्तों पहला नंबर तो ये है कि हम इस समस्या का सॉल्व करने के लिए इस वाले सीपीयू में पहले आपको चेक करना है कि मतलब कि अंदर से पूरी तरीके से क्लीन है या फिर इसमें धूल धूल है। तो दोस्तों यार मेरे पास तो है वैक्यूम क्लीनर, तो उससे मैं इसे रोज क्लीन करता हूँ, लेकिन फिर भी आपको वीडियो में बताने के लिए यहाँ से एक बार इसे क्लीन करके आपको दिखाते हैं कि कैसे क्लीन किया जाता है। तो दोस्तों ये है मेरा वैक्यूम क्लीनर, और अब मैं इसे चालू करके इसे क्लीन करता हूँ। देखो, देख सकते हो दोस्तों इसके अंदर कितना धूल है, तो इसे अभी क्लीन करके आपको करते हैं फटाफट। और ये इसका एक अंदर कूलिंग फैन, दोस्तों मैंने इसे क्लीन कर लिया है वैक्यूम क्लीनर की मदद से। अब आते हैं अपन सेकंड पॉइंट पर, किसका दूसरा पॉइंट इसे सही करने के लिए क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर इसकी रैम लगी हुई है ये वाली। सबसे पहले इसे खोलना कैसे, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक ऐसे तो आपको प्रेस करना है, और इधर भी ये वाला प्रेस बटन है, तो इसे आप ऐसे प्रेस कर सकते हो। ये मैंने प्रेस कर दिया, और ये होती है इसकी रैम। यहाँ से मैं इस रैम को यहाँ से बाहर निकाल लिया, ठीक है, और यहाँ पर इसे रख दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो जहाँ पर ये रैम लगी हुई थी उस वाले क्षेत्र को आप देख सकते हो यहाँ पर, कि मतलब कि यहाँ पर धूल तो नहीं जमी हुई ना, क्योंकि मेन कारण यही होता है इस धूल की वजह से ही जो ये सारा कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक बार इस वाले क्षेत्र को दोबारा से क्लीन कर देता हूँ। दोस्तों मैंने वैक्यूम क्लीनर की मदद से दोबारा से इसे क्लीन कर दिया है, और अब अपन चेक करते हैं ये वाली रैम है, तो इस वाली रैम को भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसमें भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या धूल मिट्टी तो लगी हुई है। तो दोस्तों मैंने इस रैम को भी सही से क्लीन कर लिया है, और इसका सारे पार्ट को अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब मैं आप दोबारा से इस रैम को वापस से इंसर्ट कर देता हूँ। तो इंसर्ट करने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो ये दो ऑप्शन है, तो इस वाले ऑप्शन को मैं इसे बेक लेता हूँ, और इस वाले को मैं इसे बेक लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर इसे इंसर्ट कर देते हैं अपन, तो इसे यहाँ से ऐसे इंसर्ट कर देते हैं, और इधर भी दोनों तरफ से सही तरीके से इंसर्ट कर देता हूँ। और बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी, माफ़ी जाना चाहूँ, क्योंकि मैं अभी शॉप पर हूँ और यहाँ पर जो है बैकग्राउंड नॉइज़ का बहुत ज़्यादा फंडा होता है इस वजह से। अभी मैं इसे इंसर्ट सही तरीके से इंसर्ट करके आपको फटाफट से लगा देता हूँ। और दोस्तों इसे यहाँ पर लगाने के बाद थोड़ा सा दबाना, तो ये जो दोनों तरफ की आप देख सकते हो यहाँ पर और इस तरफ, ये दोनों तरफ ये ऑटोमेटिक से एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है गाइस। तो इस प्रकार आपको ऐसे इसे सेट कर लेना है, और फिर अपने कंप्यूटर को एक बार ऑन करके देखना है।
दोस्तों अभी जो मैंने प्रोसेस बताई है इस पूरी प्रोसेस को आप कर लेना, उसके बाद में फिर अपने कंप्यूटर को ऑन करना। तो आई होप कि यार ये जो मैंने किया था ये ट्रिक्स 100% काम किया था, इस वजह से मैंने इसका पार्ट 2 बनाया। और इस वैक्यूम क्लीनर का आपको वीडियो देखना है तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, क्योंकि मैंने इसकी अनबॉक्सिंग कर रखी है, कितने में परचेस की सारा कुछ उस वीडियो में बता रखा है। तो आप जाकर इसे भी अगर खरीदना चाहो तो लेना, क्योंकि अगर आप एक शॉप चलाते हो कंप्यूटर या लैपटॉप या ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो जहाँ पर धूल मिट्टी से ख़राब हो जाती है, तो वहाँ पर वैक्यूम क्लीनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यार इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, और जो भी लोग नए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना। और ये इसका पार्ट 1 है, इसे आप जरूर से देख लेना।